अरबी इस्लाम की लैंग्वेज है, यानी कुरान किस लैंग्वेज में उतरा, कौन सी लैंग्वेज में उतरा? अरबी। अरबी लैंग्वेज में कुरान उतरा। अरबी इल्ला माशाल्लाह, मैं ये नहीं कहता हूँ पूरा PhD कर लो, लेकिन कुछ तो समझो यार, कुछ तो समझने की कोशिश करो। इंग्लिश में सब कोई आगे बढ़े हुए। इंसान सक्सेस किसे समझता है पता है? जो ज़ाहरी तौर पर उसे दिखता है कि लोगों में ये चीज़ मारूफ हो गई, बस ये सक्सेस है, ये अच्छी चीज़ है। आपको पता है एक ज़माने में एक तरफ से टकला रहना और एक तरफ से बाल रखना, ये ऐब माना जाता था। कितना बेवकूफ़ है, पागल है। आज ज़माना ऐसा चेंज हुआ ना, सोच पे डिपेंड। मैंने ये कहा जो मुआशरे में चलता ना, लोग उसको देख देख के समझते ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे ही चेंज हुआ, आज टकला एक तरफ से और एक तरफ पे बाल रखना फैशन बन गया। यही मैं बता रहा हूँ कि आप ना ये कुछ भी नहीं है कि आप इस चीज़ को सक्सेस समझ रहे हो। आप फॉलो किसको कर रहे हो? आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। एक टाइम पर आप समझते लोग जिस चीज़ को बुरा मानते थे, आज वो सारी चीज़ें अच्छी होने लग गई है। एक टाइम पे औरतों का घर से बाहर निकलना बहुत बड़ी ऐब की बात थी, आज वो सबसे अच्छे काम होने लग गए। आज जो नहीं निकल रहा उसको लोग ताने दे रहे। जब इस्लाम पर आओगे, जब आपको पता चलेगा, अब ये हमें गाइड करने वाला कि आपको कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना है। कारोबारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखो। आप लैंग्वेज की बात मैं निकाला तो सबसे पहले अरबी सीखने की कोशिश करो। आप नहीं सीख सके कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बच्चे को सिखाओ। ये तो आज बना लो कि मैं अपने बच्चे को थोड़ा अरबी सिखा दूंगा। इंग्लिश सिखाना ऐप की बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश आज लोगों में राइज हो गई तो हमने समझ लिया इंग्लिश पढ़ने वाले बहुत हाई लेवल के हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग आवाम में राइज हो गई। और जिस टाइम पे अरबी राइज थी, उस टाइम पे अरबी वाले मतलब बहुत बड़े होते थे। अरब में कुफ्फार अपने आप पे घमंड किस बात का करते थे? कुफ्फार को घमंड किस बात का था कि हमें अरबी आती है? और आज ज़माना चेंज हो गया कि घमंड इस बात का कि मुझे इंग्लिश आती है। लैंग्वेज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस्लाम की लैंग्वेज अरबी है, तो आप अरबी पर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस्लाम की लैंग्वेज यानी क्या? कुरान अरबी में आया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी कहने वाले, हमारे सारे सहाबा अरबी कहने वाले, तो हम अरबी को नहीं समझ रहे। हमने सक्सेस इंग्लिश को समझ लिया है। इंग्लिश पढ़ना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप ना कभी भी अरबी खुद नहीं पढ़ सके, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये आज़म करो। इंशाल्लाह नहीं पढ़ सके कोई मसला नहीं है यार, आपका बच्चा कुरान पढ़ेगा। वक़ा रब्बू का अल्लाह तबुद अल्ला इया वबिल वालदी एहसाना, कुरान में वो पढ़ लिया। जब ये पढ़ेगा तब जाकर आपकी खिदमत करने लग जाएगा। पता है आप में कई लोग होंगे ये आए थे पढ़ लेते, लेकिन तर्जुमा पता नहीं है। जब आप अपने बच्चों को कुछ थोड़ी मोड़ी भी अरबी सिखाए रहेंगे ना, तो जब वो ये पढ़ेगा ना, तो कभी भी अपने बाप को ओल्ड हाउस में जाकर जमा नहीं करेगा। पता है अरबी कितनी अहमियत की हामिल है? अरबी में कुरान है, अरबी में अहादीस है, सारी चीज़ें। तो अरबी सीखने की कोशिश करो। आप नहीं सीख सके कोई मसला नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, ये आज़म करो कि इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को अरबी सिखाऊंगा। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो सिखाऊंगा कि वो कुछ सीख सके कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान क्या थी। अल्लाह ने कुरान अरबी में नाजिल किया तो मैं कुछ सीखूं, और जब आप अरबी सीख जाओगे तो कुरान पढ़ने भी अलग ही मज़ा आएगा। लेकिन जब तक नहीं आती ना लैंग्वेज, तो हमें उसमें मज़ा नहीं आता है। और शैतान तो बैठा हुआ ही है, तो बोलता है भाई अरबी सीख के क्या करेगा, तो दुनिया में कुछ काम आने वाली तुझे, ऐसी बोलता वो डायरेक्ट बोलता है, दुनिया में कुछ काम आने वाली अरबी सीख के तो क्या करेगा, इंग्लिश पढ़ा अपने बच्चे को। और वो आगे का नहीं बताएगा, वो आपको सिर्फ अभी का बोलेगा इंग्लिश सीखा। और कहीं ऐसे है जो इंग्लिश पढ़ लिए लेकिन अब तक जॉब नहीं मिली, वो नहीं बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि इंग्लिश बंदा पढ़ लिया एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही, आज परेशान है, भटक रहा है जॉब के लिए, उसको जॉब नहीं मिल रही। शैतान ये नहीं बताता, वो सिर्फ दिमाग में डालता कि इंग्लिश पढ़ ले। और अल्लाह ने पहले ही आज से कह दिया था कि रिज्क देने वाला कौन है, रज़ाक कौन है, अल्लाह। जब अल्लाह रिज्क देने पर आए तो इस कायनात में कोई भी इंसान आपसे वो रिज्क छीन नहीं सकता है। कितने पैसे वाले पढ़े लिखे, कितने पैसे वाले अल्लाह ने उन्हें दी है माल और दौलत, तो पढ़े लिखे नहीं है, तो पता चल रिस्क देखने वाला वहाँ बैठा है। यहाँ पे फैसले होते ही नहीं है, फैसले ऊपर होते हैं, और अल्लाह ने फैसला कर दिया है। और फैसला क्या किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह जब जिसे चाहे रिस्क देना रिस्क देता है, और अल्लाह जब छीनना चाहे तो रिस्क छीन लेता है। तो हम अपना अकीदा ये मत बनाओ इंग्लिश सीखूंगा तो हमारे पास रिस्क आएगी। हम हर लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी जानने की कोशिश करो, दुनिया में रहने के लिए इंग्लिश भी ज़रूरी है, लेकिन उसके मुकाबले में आप उर्दू को अरबी को हकीर जान रहे हो तो आप इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुए हो, क्योंकि अरबी एक्चुअल इस्लाम की लैंग्वेज है। आपको अरबी सीखना
चाहिए। तो जहाँ पर अल्लाह ने कह दिया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम के अंदर पूरी पूरी तरीके से दाखिल हो जाओ, इसका मतलब ये है कि अब मुझे इस्लाम की किसी भी तालीमात से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए जिस जिस चीज़ पर लोग उंगलियाँ उठाते थे वो सारी चीज़ें सच होती जा रही है आज।